ये जो भी मैं खाना खाता था वो सारा मेरे गले में और मुंह में आ जाता था। इधर गजेंद्र का एक डॉक्टर हैं तो उनके बारे में मुझे पता चला, उन्होंने एंडोस्कोपी की तो एंडोस्कोपी में मुझे हाइटस हर्निया आया। डॉक्टर साहब ने इसका ऑपरेट किया और वो ऑपरेट के मतलब 3-4 दिन के बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इसमें। नमस्ते, मेरा नाम मानिक सिंह सलारे है और मैं जम्मू और कश्मीर से हूँ। मैं कुछ देर से बीमार चल रहा था, लगभग 2 साल से। तो मुझे प्रॉब्लम थी कि जो भी मैं खाना खाता था वो सारा मेरे गले में और मुंह में आ जाता था और मुझे फूड पैक में जलन होती थी। तो मैंने दिखाया डॉक्टर, उधर की लोकल डॉक्टर को दिखाया एक दो, और मेडिसिन भी खाई 1.5-2 साल तक, पर मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर मैं ऐसे यूट्यूब पे एक बार ऐसे मतलब यूट्यूब में देख रहा था कि कुछ इसका ऐसे इलाज मिल जाए। तो इधर गजेंद्र का एक डॉक्टर हैं तो उनके बारे में मुझे पता चला, तो मैंने देखी उनके 1-2 वीडियोज़ यूट्यूब के ऊपर। तो फिर मैंने उनको कॉल किया और उन्होंने मुझे इधर बुलाया। तो जैसे मैं इधर आया तो उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट वगैरह होंगे आपके, तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने एंडोस्कोपी की तो एंडोस्कोपी में मुझे हाइटस हर्निया आया और जो लोअर रेस्पिरेटरी स्पिंचर था वो भी रिलैक्स आया उसमें बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका कोई और इलाज नहीं है, जैसे उसी ऑपरेटिव होगा इसका तो ये ठीक हो जाएगा इससे। तो फिर उन्होंने दे दिया टाइम कि इस टाइम पे आप आ जाओ तो उसका ऑपरेट हो जाएगा। तो फिर हम आ गए इधर, तो डॉक्टर साहब ने इसका ऑपरेट किया और वो ऑपरेट के मतलब 3-4 दिन के बाद मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है इसमें। और यहाँ का हॉस्पिटल का भी मतलब स्टाफ भी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो जो डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसकी सर्जरी होगी, तो सर्जरी से पहले मेरी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी। जो भी मैं खाना वगैरह खाता था वो सब गले में आता था, मेरी फूड पाइप में जो जलन पड़ती थी, अल्सर वगैरह भी हो गए थे फूड पाइप में, तो उसकी वजह से एक बार ब्लीडिंग भी हुई। तो अब डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसकी सर्जरी होगी, तो सर्जरी जैसे ही कराई तो उसके बाद अब मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे कोई रिफ्लक्स वगैरह कुछ नहीं आता अब, तो जो भी खाना वगैरह खाता हूँ वो सब पेट में रहता, अभी ऊपर वगैरह कुछ नहीं आया मेरा। तो डॉक्टर साहब ने ये सर्जरी भी उसके लेप्रोस्कोप से की है, इससे मिनिमम इन्वेजन होता है बॉडी में, तो स्मॉल 3-4 कट्स लगेंगे बॉडी में। तो उसके बाद ये सर्जरी वगैरह होगी तो आपको 1-2 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज भी हो जाओगे आप हॉस्पिटल से, और इसमें पेन भी बहुत कम रहती है। और ये स्टिचेज लगते हैं वो भी 1 इंच से भी स्मॉल स्टिचेज लगते हैं 4, और वो स्टिचेज भी मतलब दूसरे लगते हैं कि खुलवाने नहीं पड़ते आपको, डिजॉल्व हो जाते हैं बॉडी में डायरेक्ट। जैसे ऑपरेशन के बाद मुझे डिपार्टमेंट शिफ्ट किया गया, तो डॉक्टर की दिन में 3-4 विजिट होती थी, और डॉक्टर बहुत ही पोलाइट डॉक्टर हैं और उनकी नेचर भी बहुत अच्छी है। वो बड़े ही काम तरीके से और पोलाइट तरीके से अपने पेशेंट से बात करते हैं, और यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत ही फ्रेंडली स्टाफ है और कोऑपरेटिव स्टाफ है, जो हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार बैठा है यहाँ पे। और ऐसी वैसी कोई बात नहीं, ऑपरेशन से कभी डरना नहीं चाहिए, ये बहुत ही मतलब आप कह लो पहले ज़माने में बहुत बड़ा ऑपरेशन होता था, ओपन सर्जरी करते थे, पर आजकल थोड़ी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो ये लेप्रोस्कोप से करते हैं इसको। तो जिसको भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ गले में वगैरह आता है, किसी को रिफ्लक्स वगैरह आता है, खाना पिया वगैरह भी गले में कुछ आ जाए, तो वो एक बार इनसे कॉन्टैक्ट कर ले तो वो ये आपको सब कुछ बता वगैरह बता देंगे। तो ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है, तो आपको इसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए तभी बेस्ट रहता है, नहीं तो लॉन्ग टर्म आगे जाके ये आपको कैंसर तक भी मतलब बीमारी तक लग सकती है आपको, अगर इसका आप ऑपरेट नहीं करो।